So very good morning to all of you. Moving further on simple interest and compound interest, we will take a very important question, important for your examination. Okay. Previous lecture में हम लोग बात किए थे कि आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू हंड्रेड. ओके, ये बेसिकली किस स्टेटमेंट पर वैलिड होता है? अ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स इन r परसेंट एंड t ईयर्स. ओके, या एट r परसेंट इन एंड टाइम t ईयर्स. मतलब जब कभी भी r और t को n से रिलेट करना हो तो वी हैव अ रिलेशन, वी हैव अ रेडीमेड रिलेशन, आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू हंड्रेड. अब मान लो, अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी धनराशि, कोई भी प्रिंसिपल n वन टाइम्स हो गई R1 रेट पर T1 टाइम में. ओके, okay, N1 टाइम्स हो गई. आप कोशिश करना समझने का, दर दे रखा है R1, समय दे रखा है T1, और कितनी गुनी हो गई तो N1. और कोई धनराशि लेट अस सपोज R2 रेट पर T2 टाइम में N2 टाइम्स हो गई. ओके, okay, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो R1 T1, सॉरी आप लिख सकते हो इसी रिलेशन को इस पर बिठा रहे हैं, R1 T1 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 इंटू 100. और यहां आप लिख सकते हो R2 T2 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 इंटू 100. ये दोनों वैलिड रिलेशन है, इस पर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, आप एक बार रेफर कर लेना. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें कि इफ टाइम इज कांस्टेंट, आपको आज के लेक्चर से ब्यूटी ऑफ क्विकर मैथ्स दिखेगा, एलिमिनेशन ऑफ ऑल यूजलेस स्टेप्स. और एक दूसरा केस ले ले रहे, दिस इज आवर केस टू. कोशिश करना आप इसके लॉजिक को समझने का. If rate is constant, अगर normal logic आप लगाओगे तो आप कहोगे कि अगर समय constant है तो जो भी धनराशि है वो dependent होगी rate पर, और अगर rate constant है तो जो भी धनराशि है वो dependent होगी आपके time पर. Okay, time constant dependent on rate, rate constant dependent upon time. I should write that dependent on rate and here it is dependent on time. I hope things are clear. Okay, क्योंकि एक constant है, कुछ नहीं करना है. ये हमारा relation number वन था, ये relation number टू था. अगर आप इन दोनों relation को divide कर देते हो तो you can write R1 T1 by R2 T2 is equal to N1 minus 1 by N2 minus 1 इंटू 100 एंड इंटू 100. ये कोई काम का नहीं है, ये कैंसिल हो गया. ओके, विच इम्प्लाइज आर वन टी वन बाई आर टू टी टू इज इक्वल टू एन वन माइनस वन बाई एन टू माइनस वन. समझ पा रहे होंगे आप, लेकिन सवाल कर रहा है टाइम कॉन्स्टेंट है, मतलब टी वन इज इक्वल टू टी टू, हैंस ये और ये भी कैंसिल हो गया. नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू एन वन माइनस वन बाई एन टू माइनस वन. अब इसको लिखने का एक और तरीका है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्विकर मैथ्स. कैन आई राइट आर वन बाई एन वन माइनस वन इज इक्वल टू आर टू बाई एन टू माइनस वन. ओके, समझ आएगा ये क्यों हम लोग कर रहे हैं. यहां पर आते हैं, अगेन डिवाइड वन एंड टू. यू वुड से ये कुछ ऐसा है, आर वन टी वन बाई आर टू टी टू इज इक्वल टू एन वन माइनस वन इंटू हंड्रेड अपॉन एन टू माइनस वन इंटू हंड्रेड. ये हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पर तो रेट कॉन्स्टेंट है, मतलब ये कैंसिल हो गया. आर वन इज इक्वल टू आर टू, मतलब टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू एन वन माइनस वन बाई एन टू माइनस वन, विच यू कैन राइट सिमिलर टू दिस. वी कैन राइट टी वन बाई एन वन माइनस वन इज इक्वल टू टी टू बाई एन टू माइनस वन. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, हैव अ लुक ऑन इट.
और ये दो रिलेशन आप समझ पा रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सवाल, जिसमें आप आज से पहले करीब 1.5 से 2 मिनट का कैलकुलेशन करते थे, आई डोंट थिंक कि आज के बाद वो 15 से 20 सेकेंड से ज़्यादा समय आपको लगेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने में। कुछ नहीं किए यहाँ पर हम लोग, जितने भी यूजलेस स्टेप्स थे उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हम डायरेक्टली ये ट्रिक लेकर जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, एंड आई शुड रिपीट कि रिसेंट पास्ट में आप पीओ का सेट अगर आप देख लो, बैंक पीओ का सेट देख लो, एसबीआई का कोई सेट देख लो, या फिर सीजीएल मेंस का सेट देख लो, यू वुड फाइंड क्वेश्चंस इन दिस पैटर्न। खैर, अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा? दो रिलेशन हम लोग को दिखा है, एक दिखा है जब टाइम कांस्टेंट हो और एक दिखा है जब रेट कांस्टेंट हो। ओके, अब मान लो सवाल कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन, लेट अस सपोज 10 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 7 टाइम्स? ओके, आप ध्यान से समझो, सवाल कह रहा है कोई धनराशि 10 वर्ष में 5 गुनी, कितने वर्ष में, हाउ मेनी ईयर्स, 7 गुनी। ओके, मतलब यहां पर रेट का जिक्र नहीं है, हम अस्यूम कर लेंगे रेट क्या है, कांस्टेंट है। और जब रेट कांस्टेंट है तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं T1 by N1 - 1 इज इक्वल टू T2 by N2 - 1। ओके, अब कुछ नहीं करना है, आप इस पर बिठा दो, आपका सवाल मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में बन जाएगा। एंड एनी हाउ आपको इस पर कमांड करना होगा, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कहा कोई धनराशि 5 गुनी 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष में 5 गुनी, 5 में से 1 घटा दिए 4, कितने वर्ष में हमको नहीं पता, हम बोले एक्स। 7 गुनी, 7 में से 1 घटा दिए 6। आई होप अगले स्टेप में आपको आंसर दिख रहा होगा। फ्रॉम वेरी आई मीन इनिशियल स्टेजेस हम आपको ये बतला रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑलवेज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, एंड क्विकर मैथ्स में कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरा फाइनल आंसर कुछ A/B इज इक्वल टू C/D के पैटर्न में आए। इसका बेनिफिट होता है ऊपर से ऊपर काट सकते हो, नीचे से नीचे काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, यहाँ ऊपर नीचे काट सकते हो, तो कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप 2 से काटे 2 बार, 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 1 बार, 2 से काटे 5 बार, आपको x बराबर 15 दिख रहा होगा। ओके, मतलब 15 वर्ष में वो 7 गुनी हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पैटर्न अगर थोड़ा सा हम लोग बदल दें और कुछ ऐसा, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स एट 12%, एट वॉट परसेंट विल इट बी 6 टाइम्स? ओके, मतलब यहां पर टाइम कांस्टेंट है, टाइम का जिक्र नहीं हो रहा है। एक धनराशि 12% पे 3 गुनी, कितने प्रतिशत पे, 6 गुनी, तो हम बोले 12% पे 3 गुनी, 3 - 2 1 2, कितने प्रतिशत पे, 6 गुनी, 6 - 1 5। कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर आपके सामने है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ RT इज इक्वल टू N - 1 × 100। इसका एप्लीकेशन है ये। ट्रिक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर एक बार फॉलो कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।